मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों के बीच प्रदेश की पूर्व महिला एवं बाल विकास मंत्री इमरती देवी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निवास पर पहुंचकर उनसे मुलाकात की है। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच करीब आधे घंटे तक चर्चा हुई। चर्चा कर लौटी पूर्व मंत्री इमरती देवी ने बताया कि कल सीएम शिवराज सिंह चौहान की मैरिज एनिवर्सरी थी, जिसकी शुभकामनाएं देने के लिए उनसे मुलाकात करने गई थी। वहीं मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर उन्होंने कहा कि मंत्री बनाना या नहीं बनाना ये पार्टी हाईकमान तय करेगी, जिसको लेकर प्रदेश की पूर्व मंत्री इमरती देवी से खास बातचीत की हमारे ब्यूरो चीफ आकाश सेन ने। पूर्व मंत्री इमरती देवी जी हमारे साथ हैं। मुख्यमंत्री जी से आज आपकी मुलाकात हुई थी? नहीं, मुलाकात थी उनकी, कल एनिवर्सरी थी तो मैं इसलिए उनसे मिल ले गई बस। मंत्रिमंडल विस्तार की भी चर्चा है, चल रही है? चले और चलती रहे, हमें मतलब नहीं। जब बनेंगे तब ना बन जाएंगे, इसकी ना हमसे चर्चा भाई ना हमने चर्चा करी। वो तो आज नहीं तो कल बनना ही है, तो चर्चा करने का मतलब क्या है? सिर्फ मैं उनको बधाई देने गई थी, उनकी एनिवर्सरी थी कल, हम जल्दी आ नहीं पाए थे, इसलिए आज मैं सवेरे उनको बधाई देने। कोरोना संकट काल का दौर चल रहा है, क्षेत्र की जनता के लिए भी लगातार आप बात कर रही हैं, इस बात को भी मुख्यमंत्री जी के सामने रखा होगा, क्या क्षेत्र की जनता के लिए आपने काफी सारी? जो कोरोना की महामारी चल रही वो भोपाल इंदौर उज्जैन में ज्यादा है, हमारे ग्वालियर में इतना नहीं है। हमारे भगवान की कृपा से ग्वालियर जिला सुरक्षित है, और जहाँ तक है हमारे जो भी अधिकारी हैं वो अच्छा काम कर रहे, बहुत अच्छा काम कर रहे, आज तक कोई हमारे यहाँ ऐसा मरीज नहीं पाया गया। पर आप प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं, आप भी मंत्री बनाई जाएंगी, क्या कहेंगी? अब दावेदार है नंजा, जिस वरिष्ठ नेतृत्व जाना है, दावेदार होंगे तो चुनाव लड़ेंगे, नहीं होंगे तो पार्टी में काम करेंगे। ये थी हमारे साथ इमरती देवी जी, जो साफ तौर पर बता रही थी कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को जो है वो वैवाहिक वर्षगांठ की शुभकामनाएं देने के लिए पहुंची थी, लेकिन जिस तरीके से अटकलें लग रही हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है, उस बीच इस चर्चा को जो है मंत्रिमंडल विस्तार से जोड़कर भी इस मुलाकात को देखा जा रहा है। कैमरा पर्सन नगेन के साथ आकाश सेन, 924 भोपाल।